हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, लास्ट वीडियो गलती से मैं जब चेक कर रहा था तो वो पॉज हो गया था, तो वो थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहेगा। अब इसी में आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, देन और फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। इज इट क्लियर बच्चों? देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है बच्चों? अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, अभी हमारे एक दो क्वेश्चंस और है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, इस बार लास्ट टाइम बच्चों सॉरी मिस्टेक हो गई थी, वीडियो थोड़ा छोटा रह गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्या दिक्कत है आपको, तो पढ़ना है वीडियो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं 5 raised to power n+3। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 5 raised to power n+3, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस सिक्स मल्टीप्लाई 5 raised to power n+1 अपॉन 5 raised to power n+3 9 into 5 raised to power n -5 raised to power n into 2 square। इज इट क्लियर बच्चों? क्वेश्चन है 5 raised to power n+3 -6 into 5 raised to power n+1 9 into 5 raised to power n माइनस। अब बच्चों ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोशिश करें आप, जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था कि आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटीज गिवन है, जो भी नंबर्स गिवन है, उनमें से आप कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, और डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? देखो कैसे, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हो 5 raised to power n+1, बट यहाँ पे n प्लस 3 है, क्यों ना हम 3 को 2+1 में ब्रेक कर लें तो कॉमन आ जाएगा कुछ। तो देखो ध्यान दो, 5 raised to power n+1 को एक जगह लिख लो इंटू 5 स्क्वायर लिख लो। क्यों? देखो ऐसे 5 raised to power n+3 है, तो इसको हमने ब्रेक कैसे किया, n+1+2। देखो 3 को ऐसे ब्रेक कर लिया, तो आप मल्टीप्लाई में लिख दो ऐसे मल्टीप्लाई 5 raised to power 2। वापस देखो बेस सेम है, ऐड करोगे तो n+1+2 n+3 आएगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें n+1 मिल रहा था यहाँ पे। अगर यहाँ पे n+2 होता तो हम इसे ऐसे ब्रेक करते 5 raised to power n+2 multiply 5 raised to power 1। हमें कॉमन लेना था इसलिए ऐसा किया, -6 multiply 5 raised to power n+1 अपॉन। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे देखो कौन कॉमन आ रहा है, क्या 5 raised to power n कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो यहाँ कौन बचेगा 9 minus 2 square। क्या इजी हो गया? अब देखो यहाँ से ऊपर से कॉमन आ रहा है 5 raised to power n+1, बच्चों कॉमन ले लिया हमने, तो बचा कौन 5 square माइनस। अगर हम ये कॉमन ले लेते तो 5 square बच रहे हैं, और यहाँ पे देखो कॉमन आते ही कैंसिल हो गया, बचा कौन 6 अपॉन 5 raised to power n। देखो 9 में से अगर 4 गया, देखो ना ऐसे हो रहे हैं 9 minus 4। ऊपर देखो क्या हो रहा है, 5 raised to power n+1 मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, देखो आप सोल्व कर लो इस ब्रैकेट को, 25 minus 6। नीचे कितना आ रहा है बच्चों, 5 raised to power n मल्टीप्लाई 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी को इधर आगे सोल्व कर रहा हूँ, देखो ऊपर आ रहा है 5 raised to power n+1 मल्टीप्लाई में आ रहा है, 25 में से 6 गया तो बच्चों कितना आ गया 19 अपॉन। देखो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर n है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल में कौन बचा ओनली 19। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो इतने बड़े को हमने सोल्व किया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 19 आ गया। हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ कॉमन निकालने की कोशिश की और उसके आगे सोल्व कर दिया हमने क्वेश्चन को। अरे समझ आएगी नहीं है, देखो n प्लस 3 को n प्लस 1 और स्क्वायर में कैंसिल ब्रेक कर दिया हमने। क्यों किया, क्योंकि सर यहाँ पे 5 raised to power n मिल रहा था, कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 5 स्क्वायर, यहाँ बचा 6,
यहाँ पे 5 रेस टू पावर n कॉमन ले लिया, 9 माइनस 5, ठीक है, सॉरी 9 माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे सोल्व हो गया, ये दोनों देखो बेस सेम है, वापस ऐड हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, जो बचा वो आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? लेट मी चेक द कैमरा बच्चों। बच्चों हमें बार बार कैमरा क्यों चेक करना होता है, क्योंकि अगर इन केस कैमरे में कोई दिक्कत आ रही होगी, रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हमने जो 10 मिनट बाद मान लो प्रॉब्लम हुई तो वो हमारी 10 मिनट वेस्ट हो गई, दोबारा वो एनर्जी देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसी में क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, फिर हम हमारा चैप्टर क्लोज करेंगे, फिर 9th क्लास के बच्चों को नेक्स्ट नया चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है कैलकुलेशंस। बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए आज का वो, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है, या और अगर इस वीडियो में थोड़ा टाइम रहेगा तो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 27। बच्चों ये क्वेश्चन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, बट आपको आना चाहिए जब इतने क्वेश्चन करवा दिए। प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 3 रेस टू पावर 3n माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 27। बच्चों लेट मी चेक द अगेन, वरना हम क्वेश्चंस के रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। 3 इंटू 27 पावर n प्लस 1, 9 इंटू 3 रेस टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 3 रेस टू पावर 3n माइनस 5 इंटू 20। बच्चों जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो में देखेंगे, आप उसी टाइम वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, देन आप वीडियो को रन करके यू कैन टेक द हेल्प ऑफ विद दिस सॉल्यूशन, बट फर्स्ट आप ट्राई खुद से करेंगे। बच्चों ध्यान दो, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप क्या करें, बड़े नंबर को छोटे नंबर में लिखें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। जैसे 27 क्या होता है, 3 रेस टू पावर 3 होता है, 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है, 8 2 रेस टू पावर 3, अगेन 27 को 3 रेस टू पावर 3 में लिखें। ऐसा करके हम एक बार क्वेश्चन को मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखें। देखो 3 इंटू 3 रेस टू पावर 3 है 27 का मतलब, और पावर कितना दे रखा है, एन प्लस 1 प्लस 9 को बच्चों क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन 8 को क्या हम लिखें क्या कुछ। बच्चों 8 से तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, आप 8 को 8 ही रहने दें, मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 3n, क्योंकि इधर 2 से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, कोई 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 3 रेस टू पावर 3 पावर n। फिर से चेक कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 27 कैन बी रिटन एज 3 रेस टू पावर 3 एन प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 रेस टू पावर 3n माइनस 1, ठीक है, 27 को यहाँ पे भी लिख दिया। अब आगे देखो एक बार सोल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई, बच्चों ये 3 जो है उन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, देखो बोर्ड पे ध्यान दो, इधर कर देता हूँ मैं, 3 क्यूब है और यहाँ पे n प्लस 1, इट मीन्स पावर्स आपस में क्या होगी बच्चों, मल्टीप्लाई होगी ऐसे। तो आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3n प्लस 3, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 3 रेस टू पावर 3n प्लस 3 ये आ गया यहाँ पे, प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 3n माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 को n से मल्टीप्लाई करोगे 3 रेस टू पावर 3n आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, हमें यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है। बच्चों अगर मैं इन दोनों की पावर ऐड करता हूँ, देखो बेस सेम है, हम डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी ऐसे, 3n माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 3n, 2 में से 1 गया 1, 3n प्लस 1 आ रहा है।
3 की पावर यहाँ से सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 3 रेस टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखो 3 रेस टू पावर n प्लस 3 है ऐसे, तो क्यों ना हम इसको n प्लस 1 बना ले। इसको देखो इसको कैसे बनाएंगे, 3 रेस टू पावर 3n प्लस 3, 3 की जगह 1 लिख देते हैं, n टू 3 स्क्वायर कर देंगे। जब वापस आप ऐड करोगे बेस में तो सेम ही आएगा। तो देखो बच्चों 3 ऑलरेडी है आपका एक यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ बोर्ड पे ध्यान देना, 3 रेस टू पावर 3n प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। देखो बेस सेम है दोनों जगह, वापस ऐड करोगे तो 3n प्लस 3 आएगा, प्लस जब आपका यहाँ पे बेस सेम है तो इसको ऐड करने पे आ रहा है बच्चों 3n प्लस 1। उधर बता ही दिया ना आपको मैंने, 3 के ऊपर 3n प्लस 1 आ गया अपॉन। यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे, 3 रेस टू पावर 3n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट में कौन बचेगा 8, और यहाँ पे कौन बचेगा 5। इज इट क्लियर? अब प्यारे बच्चों ध्यान देंगे बोर्ड पे, अब इधर सोल्व कर रहा हूँ इसको, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है बोर्ड पे ध्यान देंगे, 3 रेस टू पावर 3n प्लस 1 कॉमन आ रहा है बच्चों, ध्यान देंगे दोनों जगह है वो। यहाँ पे कौन बच रहा है, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया तो प्लस 1 आ गया अपॉन, यहाँ पे 3 रेस टू पावर 3n और 8 में से 5 गया तो आ गया 3। आगे देखो इधर सोल्व कर रहा हूँ, ऊपर कॉमन था 3 रेस टू पावर 3n प्लस 1 और ब्रैकेट में कितना है 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 क्यूब हो गया 27 प्लस 1 अपॉन। देखो बच्चों बेस सेम है, यहाँ पे 1 है तो 3 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3n प्लस 1, क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 27 प्लस 1 28 हमारा आंसर। अरे आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, लेट मी चेक द कैमरा अगेन। बच्चों ध्यान दो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। देखो हमने क्या किया, हमें यहाँ से और यहाँ से देख के लग रहा था कि कुछ कॉमन आएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ से देख के भी लग रहा था कि सर कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने कॉमन निकालने के लिए क्या किया, 27 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, या 9 को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, नीचे 8 को लिखने की नीड नहीं है क्योंकि 8 से रिलेटेड तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 27 को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n प्लस 3 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया 3। अब देखो बेस सेम है दोनों जगह, पावर्स विल बी एडेड, 3n माइनस 1 प्लस 2, तो 2 में से 1 गया इसको हमने यहाँ ऐड किया 3n प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे भी क्या किया हमने, इसको 2 पार्ट्स में लिख दिया 3n प्लस 2 और प्लस 1। देखो इसको कैसे ब्रेक किया हमने, 3 रेस टू पावर 3n प्लस 3 को, क्योंकि हमें इधर मिल रहा था 3 पावर 3n प्लस 1, तो देखो ध्यान दो हमने इसको कैसे किया, 3n प्लस 1 और 3 स्क्वायर में चेंज कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? तो बस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी था। फिर उसके बाद देखो नीचे से भी कुछ कॉमन आ गया, और देखो जब 3n प्लस 1 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बच रहा था और 3 स्क्वायर दोनों आ गया, यहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर से देखो दोनों का बेस सेम था, हमने ऐड किया तो ये आ गया, ऊपर देखो 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 9 27 आ गया, दिस इज़ प्लस 1 अगेन 28, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 28 आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? चलो हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं रेशनलाइजेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन अच्छा था, आप इसको बोर्ड वीडियो में सॉल्यूशन से पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगर आपको नहीं आता है तब आप इसके हेल्प लेंगे, ठीक है बच्चों? बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, और एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है √7 + √5 अपॉन √7 - √5, इज इट क्लियर? माइनस √7 - √5 अपॉन
रूट सेवन प्लस रूट फाइव. वाट यू हैव टू डू इथ दिस क्वेश्चन? रेशनलाइजेशन. बच्चों हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं? सर इन द डिनोमिनेटर, सर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो, डिनोमिनेटर में हमारे दोनों नंबर रेशनल नहीं है, इरेशनल है, और ये भी हमारा नंबर इरेशनल है. तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे थे इतनी देर तक? सर हम डिनोमिनेटर का क्या कर रहे थे? रेशनलाइजेशन कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? अगर हमारा डिनोमिनेटर रेशनल हो गया तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. रूट सेवन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट सेवन माइनस रूट फाइव. बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेम नंबर से. बट व्हाट यू विल डू, वी विल टेक प्लस साइन. रूट सेवन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट सेवन प्लस रूट फाइव. बच्चों यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस पुट करेंगे. नाउ वी विल रेशनलाइज ऑफ दिस क्वांटिटी. रूट सेवन माइनस रूट फाइव अपॉन रूट सेवन प्लस रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट सेवन माइनस रूट फाइव अपॉन रूट सेवन माइनस रूट फाइव. बहुत ईजी है. देखो बच्चों न्यूमरेटर में बोथ आर सेम, डिनोमिनेटर ए प्लस बी ए माइनस बी, अगेन दीज टू आर सेम एंड हियर ए प्लस बी ए माइनस बी. बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट सेवन प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी. व्हाट इज द आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट मीन्स रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट सेवन माइनस रूट फाइव होल स्क्वायर अपॉन रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर. अगेन रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर. बच्चों बहुत ईजी है, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे. होल स्क्वायर रूट सेवन स्क्वायर सेवन प्लस टू रूट सेवन इंटू रूट फाइव रूट थर्टी फाइव प्लस रूट फाइव स्क्वायर फाइव अपॉन रूट सेवन स्क्वायर सेवन माइनस फाइव टू माइनस. यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? सेवन माइनस फाइव टू रूट सेवन, सॉरी रूट सेवन स्क्वायर सेवन माइनस. बच्चों सेम ही तो आएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है. माइनस टू रूट थर्टी फाइव प्लस फाइव. इज इट क्लियर? बच्चों सेवन और फाइव कितना हो गया? ट्वेल्व प्लस टू रूट थर्टी फाइव अपॉन टू माइनस सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व है माइनस टू रूट थर्टी फाइव अपॉन टू. इज इट क्लियर बच्चों? देखो यहाँ पे भी टू कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी टू कॉमन आ रहा है और वो इस टू से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं. अगर आप यहाँ पे टू कॉमन लोगे तो आएगा सिक्स प्लस रूट थर्टी फाइव ऐसे, और नीचे कितना है? टू माइनस. आगे भी कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? सिक्स माइनस रूट थर्टी फाइव हो जाएगा एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो टू. टू से टू बच्चों कैंसिल आउट हो गया, बच कौन रहा है? सिक्स प्लस रूट थर्टी फाइव माइनस, दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स प्लस रूट थर्टी फाइव. बच्चों क्या हमारा सिक्स और सिक्स कैंसिल हो गया? आंसर आ रहा है थर्टी फाइव प्लस रूट थर्टी फाइव. वन टाइम थर्टी फाइव रूट, वन टाइम रूट थर्टी फाइव, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स रूट थर्टी फाइव. बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर. क्या हमारे डिनोमिनेटर में कोई रेशनल नंबर है? बच्चों अगर एक बार रेशनलाइज करने के बाद भी अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आता है तब आप क्या करेंगे? उसको फिर से करेंगे. सपोज करो इसको सोल्व करना है, यह फाइनल आंसर है, बट सपोज दैट कि आपको इसको सोल्व करने पर ऐसा आ जाता ऐसा, तो आप क्या करते? इसको रूट फाइव से दोनों जगह मल्टीप्लाई करते. फिर देखो टू रूट थर्टी फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव अपॉन फाइव, यह आंसर होता है आपका. थर्टी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई कर लो, सेवेंटी वन फोर्टी वन सेवेंटी फाइव, यह आपका आंसर होता है. इज इट क्लियर? सो बच्चों इन दिस चैप्टर आज हमने आपको फोर वीडियोज में एक्स्ट्रा टाइम दिया है. टाइम देने का पर्पज था कि यू कैन बी स्मार्ट इन कैलकुलेशन. इज इट क्लियर बच्चों? इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद आवर न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलीनोमियल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बच्चों नाइन्थ क्लास को आप सीरियस लें. जो नाइन्थ क्लास में टॉपिक है सारे के सारे आपको फिर से टेंथ में मिलेंगे. सारी चीज़ें आपको टेंथ में मिलेगी वापस, पॉलीनोमियल भी मिलेगा, आगे के चैप्टर में मिलेंगे. नाइन्थ क्लास आपका टेंथ क्लास के लिए बेस है. अगर आप नाइन्थ में 90% परफॉर्म करते हैं तो श्योर है कि आप टेंथ में और अच्छी मेहनत करेंगे तो यू विल
क्रॉस 95%। दिस टाइम हमारे बच्चों ने किया भी है, अपने ही स्कूल के बच्चों ने। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।